वो स्थिति पे डिपेंड होगा ना, क्योंकि हमारे ओपोनेंट जो है वो चीन है। अब आज सुबह सुदीप जी और हमारे लद्दाख के हिल काउंसिल और लद्दाख के एमपी भी पामपुजी जी से मिला, और वहाँ भी कहा गया कि हम लोग तिब्बत को आज़ादी चाहते हैं। तो हिज होलीनेस सेज कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज डिफिकल्ट, क्योंकि वो कहाँ से मिलेगा, वो चीन से मिलना है ना, तो वो थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अभी का जो तिब्बत का स्थिति है, एक्चुअल सिचुएशन है, उसको देख के फिर हिज होलीनेस ने मिडिल वे बताया। तो उससे अगर सुलझा हुआ तिब्बत का पीसफुली नॉन वायलेंटली हुआ, तो उसको उसकी वजह से भारत को भी लाभ हो जाएगा सिक्योरिटी एफर्ट से। चीन और भारत भी दोस्त बन सकते हैं, अभी तो है नहीं, तो वो भी एक एम है कि तिब्बत का अगर स्वायत्तता पूरी तरह से मिल जाए। तो हम लोग हिस्टोरिकली जब हम लोग इंडिपेंडेंट था, आज़ाद था, तब हम लोग बफर रहा, तो फ्यूचर में भी हम लोग बफर का भी काम कर सकते हैं। अगर टेरिटोरी वो चीन का हो या किसी और का हो, वो अलग बात। अभी 3600 किलोमीटर से भी ज़्यादा बॉर्डर है तिब्बत और इंडिया के बीच में, वो सबसे नॉन पोरस बॉर्डर है, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा। तो इससे क्या मतलब हुआ, हम लोग तिब्बत को निकाल के हनुमान जैसे कहीं उठा के पैसिफिक में डाल नहीं सकता है, और भारत को भी अलग नहीं कर सकते हैं। हम लोग जब से ये दुनिया फॉर्म हुआ तब से हम लोग साथ में रह रहे हैं। तो आजकल थोड़ा बॉन्डिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया, मोबिलिटी ज़्यादा हो गया, फिर भी इस क्षेत्र में क्यों नहीं हो रहा है? और सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या देश है, तो इसलिए हम लोग जो भी सोचना है, हम लोगों को भी देखना है कि हमारे ताकत क्या है, मजबूती क्या है, मजबूरी भी क्या है, वो सब देखना है। इसलिए वहाँ दिल्ली में भी मीटिंग में बहुत लोगों ने कहा गया कि हम लोग तिब्बत को आज़ादी देखना चाहते हैं। अगर आज़ादी देखना चाहते हैं तो आज़ादी का भी उसका भी एनकरेजमेंट होना चाहिए ना कि कैसे किया जाए। तो लोगों से, सिर्फ लोगों से तो नहीं होता है, सरकार का सपोर्ट होना पड़ता है। तो वो सब देख के हम लोग आज़ादी और स्वायत्तता का जो है मेन तो ये है कि अगर तिब्बत में जाएँ और वहाँ का संस्कृति पूरा नष्ट हो गया हो, तो फिर वो तिब्बत का जो संस्कृति है वो भारत का एक अंग है, भारत का संस्कृति का एक अंग है। तो वो नहीं रहा तो फिर तिब्बत वापस जाके भी क्या करेगा, वहाँ कहीं भी रहो, दुनिया सब जगह एक ही है, तो थोड़ा क्लाइमेट भी डिफरेंस है, बाकी लोग हैं। तो संस्कृति जो है वो दुनिया को और शांति फैलाने का संस्कृति जो भारत से आया, वो हम लोगों ने वहाँ प्रिजर्व करके रखा है। वो हम लोग चाहते हैं कि ये दुनिया इसको समझा पाए और वहाँ से कुछ लेसन ले पाए। ठीक है।